हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं गुलफाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज के इस वीडियो में मैं आपको राइट हैंड की एक एक्सरसाइज बताऊंगा जिसको बजाकर आप अपनी उंगलियों को इस पियानो पर फास्ट कर सकते हैं ना। ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें बस तीन उंगलियों का इस्तेमाल होता और इस एक्सरसाइज को करने से ना आप अपने उंगलियों को बहुत ज्यादा तक फास्ट कर सकते हैं ना। अगर आप स्टार्टिंग में बजाएंगे तो स्टार्टिंग में आप सरगम बजाते होंगे, ऐसे आप सरगम बजा लेंगे ना। अभी सरगम को काफी फास्ट करिए, काफी इस पे तेज तेज उंगलियां चलाइए ना, जिससे आपकी उंगलियां सरगम पे फास्ट हो। सारेगामा बजाने के बाद आप थोड़ा सा एक और कुछ ले सकते हैं, जैसे ये बजा सकते हैं सारेगा रेगामा, इसको बजा सकते हैं। पहले सारेगामा पा धा निसा, उसके बाद सारेगा रेगामा गामा पा, ये सब इसमें ब्लैक और व्हाइट दोनों यूज होती है। लेकिन इन सरगम को बजाने के बाद ना आप स्पेशली पियानो पे अपनी उंगलियों को फास्ट करने के लिए एक सबसे बेसिक एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर यहाँ सी से स्टार्ट करें, सी मेजर से, तो 1 2 3 यानी एक के गैप पे जो कीज है व्हाइट वाली वही पकड़ लेंगे, पहला दूसरा तीसरा, ठीक 1 2 3। अब इसको काफी इसको कंटिन्यू बजाते बजाते इसी पे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए कैसे, अगर आपकी उंगलियां इस पियानो पर सेट होंगी ना तो आप इसको कंटिन्यू बजा लेंगे। लेकिन अगर आपकी उंगलियां सेट नहीं होंगी ना तो आप चेंज करने में फंस जाएंगे। जैसे अगर आप इसको बजा रहे हैं, अब इसको बजाते ही अगर कंटिन्यू अगला वाला बजाना, उसके बाद चेंज करना, जैसे देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ, मेरी उंगलियाँ आगे बढ़ जाएंगी। अगर आप इस पे कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं किए होंगे ना तो आप जब चेंज करने लगेंगे तो टूट जाएगा, लय टूट जाएगा, जो रिदम होता है उससे भी आप डाइवर्ट हो जाएंगे और बीच में गैप आ जाएगा। यही गैप को हमको मेंटेन करना होता है ना, कि जब हम अपनी उंगलियां एक स्केल से दूसरे स्केल पे ले जाए तो उसमें गैप थोड़ा भी नहीं आना चाहिए। एकदम जिस रिदम से चल रहा था, जिस स्पीड से चल रहा था, सब कुछ वही होना चाहिए ना, उसमें थोड़ा भी चेंज नहीं आना चाहिए, तब समझ लीजिए आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। अब इसी पे हम लोग अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अपने स्पीड को एक अच्छे तरीके से बढ़ाने के लिए हमको या तो कोई रिदम लगा लेना चाहिए या तो मेट्रोनोम बीट पे इसको बजाना चाहिए ना। अब इसी को अगर हम मेट्रोनोम बीट पे आपको मैच करा के सुनाए तो सुनिएगा ध्यान से। पहले आप कोई भी ऐसे टेम्पो लगा के, जैसे अभी 120 टेम्पो सेट है, उस पर इतनी स्पीड मिल रही है। अब धीरे धीरे जब आप इस पर एकदम सेट हो जाए, एकदम मेट्रोनोम बीट और आपकी उंगलियां एकदम मैच करने लगे, तब आप इसके टेम्पो को बढ़ाएं और अपनी उंगलियां फास्ट करें। जैसे 120 था, अब इसको 140 या 150 तक हम कर देते हैं। देखिए 150 हो गया ना, अब इस पर देखिए मैच कराते हैं। तो अभी इतना टेम्पो था, जब इस पे आप एकदम फुल प्रैक्टिस कर ले तब इस टेम्पो को और आगे ले जाएं, 200 तक ले जाएं। 200 देखिए बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा इस, लेकिन इस पे भी आप अगर सेट करेंगे अपनी उंगलियों को, अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, मन एकदम लगा के करेंगे, तो इस रिदम पे भी आप बजा लेंगे। तो
ऐसे ऐसे करके ना आप अपने उंगलियों को धीरे धीरे उसकी स्पीड को बढ़ाते जाएंगे ना, आप टेम्पो को बढ़ाते जाइए और इस पर कंटिन्यू प्रैक्टिस करते जाइए, आपकी उंगलियाँ धीरे धीरे फास्ट होती चली जाएंगी ना। और राइट हैंड के एक्सरसाइज के लिए ना ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है अपने राइट हैंड को फास्ट करने के लिए। अब आप इस पर धीरे धीरे जब मेट्रोनॉम बीट पे सेट हो जाए तो रिदम कोई अच्छा सा लगा के उस पर कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो।